देश और दुनिया की हर खबर से जुड़े रहने के लिए वार्तालाप टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब हर खबर आपके फोन पर। खबर उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से है। समाज कल्याण विभाग अंबेडकर नगर के सौजन्य से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह जहांगीरगंज ब्लॉक में संपन्न हुआ। जहांगीरगंज के खंड विकास अधिकारी दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के तहत 77 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। वहीं बस खारी में 53 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। खंड विकास अधिकारी राजमंगल चौधरी ने इसकी जानकारी दी। गौरा निवासी ज्योति ने बताया कि ब्लॉक द्वारा बर्तन, कुकर, अटैची, साड़ी सेट, पायल, बिछिया, मेकअप का सामान और कपड़े ब्लॉक द्वारा उपलब्ध कराया गया है। सरकार की इस योजना से लाभार्थी बहुत खुश नजर आए, उनका सपना पूरा हुआ। आर्थिक समस्या के चलते जो लोग अपने बच्चों की शादी कराने में असमर्थ रहे, सरकार की इस योजना के तहत उनके बेटी के हाथ पीले हो गए। लाभार्थी संत राम ने बताया कि सरकार की इस योजना से हमें काफ़ी सुविधा मिली। हमारे लिए सारे खर्चे कर पाना और उसके लिए पैसे की व्यवस्था कर पाना असंभव सा प्रतीत हो रहा था, लेकिन सरकार की इस योजना से हमारी बेटी की शादी हो गई। इसके लिए हम सरकार को दिल से धन्यवाद देते हैं और उन अधिकारियों को भी जिन्होंने इसमें सहयोग किया। इस मौके पर स्थानीय विधायक अनीता कमल, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ज्ञानेंद्र सिंह, महेंद्र वर्मा, मंडल जहांगीरगंज विवेक सिंह प्रधान, धारूपुर अजय सिंह प्रधान, श्यामपुर अलवपुर सूरज पांडे सहित क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।